हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुनन क्लासेस। आज फिजिक्स में हम पहला यूनिट फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अंडरस्टैंड? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आपको, और इसमें हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि हमने अपने इस चैनल पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है विश्वास 2023। अंडरस्टैंड? विश्वास 2023 का मतलब है कि हम यहाँ पर फिज़िक्स और मैथ्स का कंप्लीट रिवीजन आपको कराएंगे। ओके, फिज़िक्स और मैथ्स का कंप्लीट आपको रिवीजन कराया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आपको फिज़िक्स का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या होता है? ये जो वर्ड है वो इलेक्ट्रिक एंड स्टैटिक, यानी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रिक का मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी, एंड स्टैटिक मीन्स स्थिर। इलेक्ट्रिक का मीन्स हम एक चार्ज भी कह सकते हैं, जिसको चार्ज होता है, ठीक है ना, उसको चार्ज भी कहा जा सकता है, यानी चार्ज यहाँ पर स्थिर रहेगा, इसका मीनिंग हुआ। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहती है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जो इलेक्ट्रिसिटी आपको फ्रिक्शन के द्वारा डेवलप होती है, उसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसका एक एग्जांपल हम आपको सबसे अच्छे तरीके से देते हैं। जैसा एक एग्जांपल होता है, जैसे सपोज करो आपने एक अपने कॉम्ब को ड्राई हेयर्स पर रब किया, समझ में आया? जब हम अपने किसी एक कॉम्ब को ड्राई हेयर्स पर रब करते हैं, तो उस पर क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है कि अगर हम उसको छोटे पेपर के छोटे छोटे पीसेस के ऊपर रखें तो उनको अट्रैक्ट करने लगता है, समझ में आया? यानी ये ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप हुई है उसके अंदर, जिससे कि उसने स्मॉल पेपर पीसेस को अट्रैक्ट कर लिया, समझ में आया? इसी प्रकार से क्या होता है, हर सब्सटेंस मोस्टली, जैसे सपोज करो आपने कभी देखा होगा कार का गेट खोलते हैं तो उस समय थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, थोड़ा झटका, एकदम अचानक, जब कभी, ऐसा नहीं होता है कि एकदम हमेशा होता हो। जैसे कई बार आप अपने वूलन क्लॉथ्स को पुट ऑफ करते हैं, उतारते हैं, तो उस समय अंधेरे में थोड़ी सी स्पार्किंग टाइप की होती है। ये सब क्या है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल्स हैं। अंडरस्टैंड? तो अब हम यहाँ पर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मींस क्या हुआ, जो दो सब्सटेंस को रब करने के बाद डेवलप होती है, उसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, यहाँ पर चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, यानी स्टैटिक रहते हैं, स्थिर रहते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है। समझ में आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर एक नाम आता है कि हम एक एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे सपोज करो हमने क्या किया, एक ग्लास रोड ली, ध्यान देना, जैसे सपोज करो हमने ये ग्लास रोड को सस्पेंड किया, ठीक है, ग्लास रोड। इस ग्लास रोड को अगर हम सपोज करो सिल्क के क्लोथ्स के ऊपर रब करते हैं, रब करने पर इस पर कोई चार्ज डेवलप होता है, अभी हम ये बता नहीं रहे कि क्या चार्ज है, ठीक है। एक और हमने ग्लास रोड लगा दी यहाँ पर, ध्यान देना आप पर, सपोज करो हमने दूसरी ग्लास रोड ले ली है किसी प्रकार से, उसको हमने सिल्क पर रब किया। अब हमने क्या जज किया वहाँ से, आप चेक करेंगे, दोनों ग्लास रोड्स को अगर पास में लाएंगे तो वो एक दूसरे से दूर हटेंगी, रिपेल करेंगी, आया समझ, वहाँ पर यानी रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से क्या, यानी हमको पता चला कि निश्चित है कि यहाँ पर कोई, मतलब अगर चार्जेस आए हैं तो इट मीन्स सेम चार्जेस आए। इसी प्रकार से ये ग्लास रोड की जगह अगर हम इबोनाइट रोड ले लें, समझ में आया बात, अगर सपोज करो हम इबोनाइट रोड ले लेते हैं, इबोनाइट रोड को हम सिल्क, वो उसे क्या बोलते, कैट, कैट स्किन के ऊपर और फर के ऊपर अगर उसको रब करते हैं तो उस पर एक तरीके का चार्ज डेवलप होता है, और वो दोनों, उससे क्या बोलते हैं, अगर दोनों इबोनाइट रोड्स को लाएंगे पास में तो वो भी रिपेल करेंगे, समझ में आ रहा है, वो दोनों भी रिपेल कर देंगे, समझ में आए। इट मीन्स क्या हुआ, या तो देखिए, या तो ग्लास रोड पर दोनों सेम चार्जेस थे, या वही चार्जेस इबोनाइट रोड पर भी डेवलप हुए हैं, समझ में आई बात।
या तो वो ग्लास रोड पर भी वही चार्जेस थे और वही चार्जेस इबोनाइट रोड पर आए हैं, तो इसका मतलब क्या है, सेम चार्जेस हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि उसको फिर हम इबोनाइट और ग्लास रोड को नजदीक लाए। जैसे देखना, सपोज करो ये ग्लास रोड है और ये इबोनाइट है, इट मीन्स अगर इन दोनों को रोड को लाए तो ये अट्रैक्शन हुआ इसमें, समझ में आई, यहां पर अट्रैक्शन फोर्स लगा, यानी इन दोनों रोड्स के बीच में अट्रैक्शन हुआ। इसका मतलब क्या निकला, इसका मीनिंग यही हुआ ना कि निश्चित है कि एक टाइप का चार्ज आपका ग्लास रोड पर है, एक दूसरे अदर टाइप का चार्ज इबोनाइट रोड पर है। तो इट मीन्स हम उनका नाम दे देते हैं, जैसे सपोज करो हमने नाम दिया इसका प्लस चार्ज, प्लस चार्जेस आपके ग्लास रोड पर आ गए, निगेटिव चार्जेस आपके इबोनाइट रोड पर हमने नाम दे दिया। तो इट मीन्स पॉजिटिव एंड निगेटिव जब आए तो उनमें अट्रैक्शन हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव आए तो उनमें रिपल्सन हुआ, निगेटिव निगेटिव आए तो उनमें रिपल्सन हुआ। समझ में आई बात? तो यानी कि क्या हुआ कि अगर हमने कोई सब्सटेंस को रब किया उस पर तो एक चार्ज डेवलप हुआ। अब वैसे हम जानते हैं कि चार्जेस के बारे में आप लोगों को पता है, अपन ने केमिस्ट्री में पढ़ाई है, एक एटम होता है, एटम न्यूक्लियस होता है, उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं उसमें, उससे क्या बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल होते हैं। तो यानी अगर किसी सब्सटेंस से सपोज करो इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन के बाद मीन्स पॉजिटिव चार्ज आ गया उस पर, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ आपका, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अंडरस्टैंड। और नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे सपोज करो किसी भी सब्सटेंस पे, जैसे हमने उसको रब किया, रब करने पर हमें पता चला कि उसमें से नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल गए। यानी आपने पढ़ा है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर होते हैं, जब नेगेटिव की कमी आ गई तो अल्टीमेटली उस पर पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। और अगर किसी सब्सटेंस में, जैसे सपोज करो इबोनाइट रॉड को हमने किसी मतलब कैट स्किन के ऊपर रब किया था, तो उसने क्या किया, उसके इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया उस पर, तो इट मीन्स क्या हुआ, उस पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, अंडरस्टैंड। यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव एंड निगेटिव। सबसे पहली बात यहाँ पर एक और आती है कि अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, किस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज, यानी व्हाट इज चार्ज, चार्ज को आप कहेंगे क्या, तो बात क्या होती है कि चार्ज यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, नॉट न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स में एक एडिशनल प्रॉपर्टी ऐसी डेवलप आ जाती है जिससे कि उसके अंदर अट्रैक्शन यानी एक फोर्स डेवलप हो जाए, समझ में आई। तो द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विच गिव राइज टू द फोर्स बिटवीन देम, यानी उनमें कोई फोर्स डेवलप हो जाए चाहे वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, उसको हम चार्ज कहते हैं, अंडरस्टैंड। चार्ज समझ में आ गया, चार्ज का डेवलप समझ में आ गया, डेवलपमेंट फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के साथ, किसे कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको कहीं कोई इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्लियर। अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पर एक सबसे मेन चीज़ क्या आती है अब हमें कि चार्जेस मतलब चार्जिंग करते कैसे हैं। तो चार्जिंग क्या होती है, वैसे तीन प्रकार की हमको पढ़नी है अभी। एक मेन होता है, सबसे पहला काम होता है हमारे पास चार्जिंग का फ्रिक्शन वाला, फ्रिक्शनल चार्जिंग, मतलब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शंस के द्वारा चार्ज होना। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मतलब क्या होता है कि वही कारण जो हम रब करने के बाद उसको चार्ज डेवलप होते हैं, जैसे हमने अभी कॉम्ब का एग्जांपल दिया था, तो वो क्या हुआ आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो गया। सेकंड थिंग होती है कंडक्शन, सेकंड देखिए इसमें हमने क्या कंडक्शन कहलाता है, क्लियर। कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई सब्सटेंस सपोज करो ये लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या है सब्सटेंस अनचार्ज्ड है, यानी इस पर कोई चार्जेस
नहीं है। इट मींस क्या हुआ कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर इक्वल इन नंबर्स, ठीक है, दोनों बराबर हैं वहाँ पर। अल्टीमेटली क्या है, वहाँ पर चार्जेस आपके सेम है, यानी ये सब्सटेंस क्या है, न्यूट्रल है। अब हम सपोज करो इसके बगल में कोई एक पॉजिटिव चार्ज सब्सटेंस यहाँ पर ले गया, ठीक है, और इसको हमने टच कराया, टच कराएंगे, कंडक्शन मीन्स क्या होता है, मूवमेंट करना, चार्जेस का मूव होना उसके अंदर, समझ में आएगा। तो जैसे हम वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से हमने इसको टच कराया, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, ये इसके नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, समझ में आएगा। क्यों कर लेगा, क्योंकि ये जो सब्सटेंस है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल मात्रा में है, समझ में आ रही है। तो नेगेटिव चार्जेस क्या हैं, इसके ऊपर आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सब्सटेंस के अंदर जो अनचार्ज सब्सटेंस था उसमें क्या है, पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, समझ में आया। दोबारा सुनिए आप, जैसे सपोज करो ये सब्सटेंस अनचार्ज था, क्लियर, अनचार्ज सब्सटेंस के बगल में हम कोई चार्ज सब्सटेंस लाए जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ध्यान देना, इस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, जैसे सपोज करो हम बताते हैं आपको, जैसे ये सब्सटेंस है, ये आपका अनचार्ज्ड है, ये चार्ज्ड है, इस पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये हम इसके नज़दीक लेगा, यहाँ टच कराया, इट मीन्स इसमें जब पॉजिटिव चार्जेस हैं तो अल्टीमेटली क्या है, इस पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, जैसे ही हमने इसको इससे टच किया तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफ़र होंगे कि नहीं होंगे, समझ में आया। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए तो इसमें क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, क्लियर, यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स आपका पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया, ये कहलाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। सिमिलरली इन द सेम वे, अगर हम मान के चलो इस पर नेगेटिव चार्ज सब्सटेंस से टच कराएंगे तो इस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, समझ में आया, ये यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली इस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये आपका नेगेटिव चार्ज, समझ में आया, क्लियर है कि नहीं, कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ओके। अगेन नेक्स्ट आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब हम यहां पर इंडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो इंडक्शन का मीनिंग क्या होता है, इंड्यूस करना, यानी इंड्यूस होना, चार्जेस का पैदा होना, बनना, दैट इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसका मीनिंग क्या है, इसमें भी कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप देखिए, जैसे यहाँ पर हमने कोई एक सब्सटेंस लिया, ये आपका न्यूट्रल था, सेम इसी तरीके से यहाँ पर हम टच नहीं करेंगे, सपोज करो ये दूसरा सब्सटेंस है, इसको पॉजिटिव चार्ज थे इस पर, ठीक है, तो इसको हम इसके नज़दीक ले जाएंगे, यहाँ पर टच नहीं करना है हमको, इसको ध्यान ये रखना, यहाँ पर टच नहीं करना है, इसको दूर लेना है। अब क्या हुआ, जैसे ये पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है, इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दोनों बराबर है, यहाँ पर हम इसको नज़दीक ले गए तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इसके अंदर, उस फोर्स की वजह से क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन सारे एक साइड आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज्ड था तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब हम हमने इसको हटा दिया, हटा दिया तो अल्टीमेटली ये क्या होगा, समझ में आ रहा है, अगर हमने इसको हटा दिया तो इट मीन्स सेम नेगेटिव पॉजिटिव सेम हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली न्यूट्रल हो जाएगा, समझ में आया। फिर हम इसको नज़दीक ले जाएंगे तो फिर हो जाएगा, तो अब इसका मतलब करना क्या है, हमको एक चार्ज को भगाना है, अल्टीमेटली अगर हमको इसको पॉजिटिव चार्ज करना है तो इट मीन्स इसके इलेक्ट्रॉन्स को हमको हटाना पड़ेगा, तभी तो हमारा चार्ज हो पाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे जो ये नेगेटिव चार्जेस यहाँ आ गए इस पर, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्जेस इधर होंगे, क्लियर है कि नहीं। अब ये पॉजिटिव चार्जेस अगर यहाँ से हट जाएँ तो ये जो सब्सटेंस है पूरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे हटाएंगे हम,
पॉजिटिव चार्ज हटाएंगे कैसे, हम यहाँ पर इसको अर्थड कर देते हैं, ठीक है, अर्थिंग लगा देते हैं, यानी यहाँ पर हमने इसको अर्थ कर दिया। जैसे ही हमने इसको अर्थड किया तो अल्टीमेटली क्या हुआ, कहने को क्या होता है कि इसके सारे पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चले जाते हैं, जबकि पॉजिटिव चार्ज अर्थ में नहीं जाते, क्या होता है केवल इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ध्यान रखना। तो ये क्या होता है, जैसे हमने इसको अर्थिंग में किया तो अर्थ से इसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो ये न्यूट्रल हो जाते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं, तो यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सब्सटेंस में बना। फिर ये इसको हटा भी दोगे तो अल्टीमेटली ये क्या है, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्लियर। सिमिलरली इन द सेम वे, अगर हम यहाँ पर निगेटिव चार्ज ले जाते हैं तो अल्टीमेटली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, निगेटिव यहाँ आएंगे उनको इधर लगाएंगे तो निगेटिव अर्थ में चले जाएंगे, क्लियर है, ओके। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नॉट फ्रैक्शन, फ्रिक्शन, अंडरस्टैंड। अब हम यहाँ पर एक चार्जेस की प्रॉपर्टीज बताते हैं कुछ, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, चार्जेस की प्रॉपर्टीज। नंबर वन, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स, ठीक है। लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, समझ में आएगा। तो जैसे पॉजिटिव नेगेटिव अभी हमने यहाँ पर देखा था, ये इबोनाइट रॉड है, ये मतलब आपकी क्या है, ग्लास रॉड है, ये दोनों पास में लाए थे तो इन्होंने अट्रैक्शन किया था। दूसरी चीज़ क्या है, अगर हम दोनों ग्लास रॉड को पास में लाए थे तो रिपल्सन हुआ था, और अगर हम दोनों इबोनाइट रॉड्स को लाए थे तो भी रिपल्सन हुआ था उसमें, क्लियर। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ पर हमको क्या पता चला कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ओके, एक प्रॉपर्टी ये हो गई। नंबर सेकंड देखिए आप, चार्जेस की एडिटिव इन नेचर्स, चार्ज क्या होते हैं, एडिटिव इन नेचर, इनका मेन काम क्या होता है, नेचर में एडिशनल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि चार्जेस को हम ऐड कर सकते हैं, चार्जेस कैन बी एडेड बाय द सिंपल एलजेब्रिक सम, जो एलजेब्रा हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम चार्जेस को ऐड किया जा सकता है, जैसे सपोज को, हाँ लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है, तो जैसे हमने प्लस टू ई है, माइनस टू ई है, प्लस फोर ई है, माइनस टू ई है, इस तरीके से है सपोज करो, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस प्लस ऐड हो जाएंगे, जैसे सिंपल एलजेब्रा, वो तो ई की जगह पे आप एक्स समझ लीजिए उस तरीके से, तो टू एंड फोर, सिक्स माइनस फोर, तो यानी टू आ जाएगा आपका, क्लियर। दिस इज द एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, बोले पड़ा, ये आपका एडिटिव नेचर कहलाता है। अब हम यहाँ पर एक चीज आते हैं चार्जेस के लिए, क्या करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्लियर। मिल्किंस ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बताया था कि चार्जेस आर नॉट फाउंड इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में चार्जेस नहीं होते हैं, चार्ज हमेशा आपके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रल मल्टीपल किसके बराबर, इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है, एक एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू होती है, उसको हम नंबर ऑफ चार्जेस जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, क्लियर। तो यानी कि इसको क्वांटाइजेशन कहा जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, अंडरस्टैंड। क्वांटाइजेशन मीन्स क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, समझ में आएगा। तो क्यू क्या है, चार्ज है,
और एन क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस, और उसका क्या होता है मतलब इंटीजर है, एन इज अ इंटीजर। यहाँ पर चाहे तो एन इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से प्लस माइनस वाले दोनों, अंडरस्टैंड। तो यानी कि चार्जेस क्या हुए आपके इंटीजर्स, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर आपका ये होता है। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस हो गया। अब ये ई की चर्चा करनी है हमको। ई क्या है, व्हाट इज ई? ई क्या है, एलिमेंट्री चार्ज वैल्यू। एलिमेंट्री चार्ज वैल्यू क्या होती है, ई इज इक्वल टू आपके पास होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये चार्ज का यूनिट होता है कूलम। अभी हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे आपको। तो द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, अंडरस्टैंड। चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है, और चार्ज की जो एलिमेंट्री वैल्यू है वो क्या है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, अंडरस्टैंड। ये आपकी चार्ज की वैल्यू होती है। एन आपके इंटीजर्स होते हैं, क्यू क्या है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, मीन्स वो चार्ज कितना है, चार्ज की वैल्यू क्या है। ओके, तो चलते हैं हम यहाँ पर एक नया कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, दो तीन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं यहाँ पर। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, देखिए आप जरा। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रैप किया गया, अ चार्ज ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 μC, समझ में आएगा, 1 μC चार्ज उस पर डेवलप होता है, समझ में आएगा, या तो ग्लास रॉड पर होगा या फिर सिल्क पर। तो ऑन अ ग्लास रॉड और सिल्क, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज ऑफ ग्लास रॉड और सिल्क, अंडरस्टैंड। तो यानी कि क्या हुआ, इसने क्या कहा है कि एक ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क पर रब करते हैं तो उस पर 1 μC चार्ज डेवलप होता है, चाहे तो ग्लास रॉड पर होता होगा या सिल्क पर होता होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इस क्वेश्चन में ये लिखा है, अंडरस्टैंड। अब हमसे पूछ रहा है कि आपको एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू क्या होगी, अंडरस्टैंड। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो सेम वही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सवाल है, सिंपल। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में मीन्स क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था कि q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ई इज इक्वल टू व्हाट, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, अंडरस्टैंड। q इज इक्वल टू क्या, 1 μC, याद रखना ये 1 μC है, माइक्रो मीन्स 10⁻⁶, इट मीन्स 1 × 10⁻⁶ कूलम, अंडरस्टैंड। तो उसने क्या कहा था कि हाउ मेनी चार्जेस, ठीक है ना, तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस, उसके अंदर हमको एलिमेंट्री चार्जेस के अंदर कितने चार्ज नंबर हुए वो हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है, देखो क्यू मिल गया, ई हमारे पास है, तो एन निकाल लेंगे। एन इज इक्वल टू क्यू 10⁻⁶ अपॉन में क्या हुआ, 1.6 × 10⁻¹⁹, अंडरस्टैंड। अब आप एक चीज देखिए, 10⁻⁰, ये क्या हुआ, एन इज इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻⁹⁹ −6 + 19, अंडरस्टैंड। इट मींस क्या हुआ, एन इज इक्वल टू 1/1.6, मीन्स डेसिमल लगाएंगे, 10 हो जाएगा 1/16 और 10 6.25 के लगभग आएगा, आप इसको डिवाइड करके देख लेना, तो 0.625 × 10⁻¹⁹ −6 = 30। इस डेसिमल को यहाँ ले जाएंगे तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.25 × 10⁻³⁹ आपका आंसर आएगा, अंडरस्टैंड। अगर उसने कहा था कि आपको 1 μC चार्ज आया तो उसमें कितने नंबर ऑफ चार्जेस होंगे उसके अंतर्गत, एलिमेंट्री चार्जेस, ये वैल्यू आई आपकी। यही सवाल इसी प्रकार से पूछा जाता है, पेपर में आया है कई बार, ओटीज में आया है कि 1 कूलम चार्ज में कितने एलिमेंट्री चार्जेस होंगे,
ठीक है ना, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वन कूलम ऑफ चार्ज, वन कूलम चार्ज में कितने होंगे। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर जो हमने वन कूलम ये 10^-6 कूलम रखा था, यहाँ पर वन कर देंगे। दैट मीन्स ध्यान दे लेना, ये 19 प्लस हो जाएगा ऊपर, तो 6.25 × 10^18। ये एक सवाल है आपकी बुक में, कईयों बार आया है पेपर में, ओटीज में आ जाता है, क्लियर। दूसरी चीज क्या होती है, अब हम इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, देखो एक और एग्जांपल बता रहे हम इसी मतलब क्वांटाइजेशन के ऊपर। आप एक चीज देखना, अ पॉलिथिन पीस इज रब्ड विथ वूल, अंडरस्टैंड, अ पॉलिथिन पीस इज रब्ड विथ वूल, एक पॉलिथिन को हमने वूल्स के ऊपर रब किया, ओके, एंड इट इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज ऑफ 3×10^-7 कूलम, अंडरस्टैंड। चार्ज उस पर क्या आया, 3×10^-7, तो यानी यट मीन्स ध्यान से सुनना, क्यू इज इक्वल टू 3×10^-7 कूलम चार्ज हो गया। एस्टिमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथिन, अब आप एक चीज देखिए, उसमें नेगेटिव चार्ज आया ना, उसने बोला है क्या, बोला है नेगेटिव बोला है, पॉलीथिन पीस इज रब्ड विद वूल एंड इट इज फाउंड दैट टू हैव नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इतना आया, तो कितने ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आए, इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर होंगे आपके, क्यू इज इक्वल टू एनी मीन सेम वही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो एन इज इक्वल टू 3×10^-7 अपॉन में 1.6×10^-19। अब देखिए एन इज इक्वल टू क्या करोगे, 3 अपॉन 1.6×10^-7 प्लस 19 मीन्स क्या हो जाएगा, देखो एन इज इक्वल टू 30/16 हो जाएगा, 10^19 12, अब 16 बन जा 16 × 32, दैट मीन्स क्या होगा, यानी कि कुल मिला के लगभग 1 कुछ आएगा, आप समझ लीजिए 1.87×10^12, ओके, दिस इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से ट्रांसफर होंगे, आया समझ। ये क्वांटाइजेशन के सवाल हैं, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओटीज आ जाएंगी, बाकी जो अब 2 नंबर का क्वेश्चन आना है इसमें से, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है ना, होमवर्क समझ लीजिए आप, एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, इफ 10^9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी, ठीक है, एवरी सेकेंड, यानी एक सेकेंड में, हम समझाए देते हैं आप करके देखना इसको, एक सेकेंड में 10^9 इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं एक बॉडी से, ठीक है, पर सेकेंड, ध्यान देना, एक सेकेंड में 10^9 यूनिट 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं उसमें से, तो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज और 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी, यानी 1 कूलम चार्ज निकलने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन यू हैव टू डू बाय योर ओन, आप इस क्वेश्चन को अपने आप कीजिए, ये होमवर्क है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्यूशन बताएंगे आपको, फिर नया स्टार्ट करेंगे, ओके, तो उसके लिए हम आपको यहाँ पर एक होमवर्क आपको दे दिया गया है, और एक प्रॉपर्टी और बचती है चार्ज की, जो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस कहलाता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस आप जानते होंगे कि जैसे कंजर्वेशन मींस एनर्जी होती है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, एनर्जी कभी ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस तक, उसी प्रकार से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर हम एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ पर हमको क्या है, चार्ज को ना तो हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, क्लियर, तो यानी कि कुल मिला के एक आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज विल बी कॉन्स्टेंट, ऑलवेज कॉन्स्टेंट होंगे चार्जेस, अंडरस्टैंड, ये आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस हो गया,
आपको एक क्वेश्चन में होमवर्क भी दे दिया है हमने। तो बेटा ये हमारा क्या है, आज का लेक्चर है। आज हमने आपको दो तीन चीज़ें बता दी आपको सही तरीके से, मतलब चार्ज के बारे में बता दिया, चार्ज की यूनिट के बारे में बता दिया, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। एक और चीज़ ध्यान रखना, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स इसमें केवल मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शंस नहीं होता है। ओके, तो आज हमने आपको इसका इतना रिवीजन कराया। नेक्स्ट हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में हम कूलम्स लॉ वगैरह लेके आएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स लेके आएंगे, उनको समझाएंगे। उनसे जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो हम आपको समझाएंगे। आप उनके हमारे इस चैनल पर बनी रहिए, आपको बढ़िया अच्छे से फिजिक्स का बढ़िया रिवीजन हो जाएगा, आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब आप अगर हमसे इससे पूछें, आपको लगे कोई प्रॉब्लम आए, कोई डाउट हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए। कोई दिक्कत हो सजेशन दे सकते हैं, और आप उससे क्या बोलते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप डालिए, हम कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की, ठीक है ना। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक टू द नेक्स्ट एग्जाम। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक्स।